हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपी बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं सेजवान चटनी। सेजवान चटनी और सेजवान सॉस दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। आज हम बनाएंगे सेजवान चटनी। देख लेते हैं किन चीजों की जरूरत होगी हमें सेजवान चटनी बनाने के लिए। 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च लिया था मैंने। आधे लीटर पानी को बिल्कुल बॉयल किया, उसके बाद मिर्चों को डाल के ढक के हाफ एन आवर के लिए मैंने रख दिया था। कश्मीरी लाल मिर्च की जगह पे आप पतली वाली लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, जो हम किचन में जनरली यूज करते हैं। पर उसको बॉईल करने के बाद उससे बीज निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत तीखा होता है। कश्मीरी लाल मिर्च में से बीज निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तीखी कम होती है। 2 इंच अदरक लेके बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया होता है ना, उसकी डंडी को मैंने कट करके रख लिया है। पत्ते नहीं है, ये जो डंडी होती है वो कट किया हुआ है। 1/4 कप ऑयल लिया है। 1/2 कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़ा चम्मच चीनी, 1/2 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की जगह पे आप विनेगर भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, सोया सॉस 1/2 टीस्पून यूज करेंगे। सबसे पहले मिर्चों को हमें दरदरा पीस के पेस्ट तैयार करना है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। मिर्चों को हमें बिल्कुल केयरफुली पीसना है। ध्यान रखना है कि ये दरदरा पीसा होना चाहिए, इसके बीज भी दिखने चाहिए। मिर्च को पीस लिया है, आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। दरदरा पीसा है, बीज भी दिख रहे हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, गरम होने देंगे कढ़ाई को। कढ़ाई गरम हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन को केयरफुली भूनना है हमें, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। चटनी में इसके कच्चेपन का टेस्ट रहना चाहिए, तो थोड़ी देर हम भून लेंगे इसको। अदरक, हरे धनिया का जो हमने बारीक कटा हुआ स्टीम दिया था वो मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना है, 1 मिनट के करीब हम भून लेंगे। पिसा हुआ मिर्च डालेंगे, मिक्स करेंगे। गैस को मीडियम पे कर लेंगे और लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे मिर्चों को। चीनी डाल लेंगे, नमक, सिट्रिक एसिड, मिक्स करेंगे सारी चीजों को। पानी डाल लेंगे, अभी 1 कप डाला है मैंने, मिक्स करेंगे अच्छे से। जब तक चटनी में उबाल आता है, कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के घोल तैयार कर लेंगे। काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून सोया सॉस। गैस को हाई पे कर लेंगे और लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अभी आपको चटनी का टेक्सचर बिल्कुल पतला पतला दिख रहा होगा। कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 1 हाथ से चटनी को मिक्स करते रहेंगे और कॉर्नफ्लोर डालते रहेंगे। लगातार चलाते हुए पकाएंगे गाढ़ा होने तक। आप देख पा रहे होंगे कॉर्नफ्लोर डालने के बाद एकदम से टेक्सचर चेंज हो गया, गाढ़ा होने लग गया है। चटनी गाढ़ा होने लग गया है। थोड़ी सी चटनी एक प्लेट या बाउल में ले लेंगे। ठंडा होने के बाद टेस्ट करके देखेंगे इसमें कोई चीज कम तो नहीं है, नमक, चीनी या सिट्रिक एसिड। मैंने टेस्ट करके देखा है, बाकी तो सबसे ठीक है, चीनी थोड़ा सा कम है। तो 1 बड़ा चम्मच चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी ऐड कर लेते हैं, लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट हो जाने देंगे।
चटनी बिल्कुल ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख के आप इसे 3 से 4 महीने यूज कर सकते हैं। सिजवान चटनी बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।